नमस्कार, आप देख रहे हैं LTT न्यूज़। LTT न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने से वकीलों की हुई दशा खराब। सालों से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अधिवक्ताओं की दुर्दशा देखते हुए दिल्ली बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं को राशन किट प्रदान करने की व्यवस्था नाकाफी हुई। व्यवस्था के नाम पर मात्र खाना पूर्ति हुई और अधिवक्ताओं को उससे हो रही है अत्यधिक परेशानी, जिसके चलते दिल्ली के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। दिल्ली के अधिवक्ताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने आप में अधिवक्ताओं की कहानी को कह रहा है। अधिवक्ताओं पर रोजी रोटी का संकट टूट पड़ा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में सभी वर्गों के कार्य चल रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, परंतु अधिवक्ताओं की रोजी रोटी केवल मात्र न्यायालय खुलने पर ही निर्भर है और न्यायालय पूर्ण रूप से बंद है। सरकार द्वारा जनता को फ्री गल्ला दिया जा रहा है। सरकार द्वारा ठेले वालों को भी एक एक हजार रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, परंतु अधिवक्ता क्या करे। मैं अतुल पांडे एडवोकेट पिछले लगभग 10 सालों से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज यहां हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने राशन सेवा किट डिलीवर करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया था DBA में, और ये हमारे पीछे इतनी लंबी भीड़ है, ये सुबह 9 बजे से यहां पे खड़े हैं सारे लोग। ये इधर भी हैं, पीछे भी हैं, सब तरफ हैं। हमारी बहनें भी खड़ी हैं यहाँ पर 9 बजे से, और किसी को और ये मजबूर कर दिया है हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन के अधिकारीगण ने। यहाँ पे कोई भी इनकी वजह से ये मजबूर कर दिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना कर पाएं। मजबूरन हम धूप में खड़े हैं बिल्कुल चिलचिलाती हुई, ना किसी को यहाँ पानी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना टोकन मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है। और मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय से और BCD के अधिकारीगणों से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी कि देश में वकीलों का बहुत बड़ा स्थान होता है, कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसके लिए आप कुछ करें।